लेकर आ गई थी डुगू को घर, मैं नहीं मतलब आशीष लेने गए थे। और अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ मम्मी के घर क्योंकि मुझे जाना है। तो गाइस हम लोग आए थे पैसिफिक मॉल और यहाँ पर हम लोग आए हैं गोला सिज़लर। और हम लोग का मन कर रहा था सिज़लर खाने का, कुछ भी ऑर्डर किया था हम लोगों ने सिज़लर। अरे यार कितनी बार बोनस मिला। हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल शर्माज ब्लॉग, माई नेम इज अंकिता। तो गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और यस मेरा कार्डियो वगैरह हो गया है, मेरे बाल गीले हैं और अभी मैं अभी मैं उतरी हूँ कार्डियो से। और सुबह सुबह ही आज मैंने निपटा लिया क्योंकि शाम को थोड़ा सा लेट हो जाता है और शाम को करो तो। और उसके बाद आशीष को मुझे स्कूल भी छोड़ने जाना है तो इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी और जल्दी उठ के अपना कार्डियो वगैरह मैंने कम्प्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर डुगू भी उठ गया है, से हाय डुगू। आज तो नहीं रहोगे स्कूल में पक्का? दूध फिनिश हो गिर गया, दूध देखो गिर गया। हाँ हाँ मैं बाहर ही खड़ी रहूंगी ठीक है। हाँ मैं कुर्सी में बैठूंगी ठीक है। ठीक है दूध फिनिश करो फटाफट, टाइम हो गया देखो 8 o'clock हो गए, जल्दी जल्दी फिनिश कर लो। ठीक है ठीक है ठीक है, दूध पियो पहले। हाँ मैं आपको देखा था आपने मुझे वीडियो में। अच्छा दूध पियो पहले फटाफट फिनिश करो। ये वेरी गुड। तो यस गाइस फटाफट मैं सोच रही हूँ कि आश्रित को अभी सिर्फ दूध दे देती हूँ और साथ में मैं कर देती हूँ एग बॉईल करने के लिए। तो मैं दूध और अंडा खिला के चाय भेजूंगी क्योंकि 8 ऑलरेडी बज चुके हैं और दूध पीते पीते से टाइम हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट इसको आके कराऊंगी क्योंकि 10 बजे तक घर आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं रख देती हूँ एग बॉईल करने के लिए। गाइस यहाँ पर मैंने एग बॉईल करने के लिए रख दिया है व्हाइट एग्स मेरे लिए और ये देसी अंडे बच्चों के लिए, आशीष लेकर आए थे। तो आशीष के कोई नोन में था जो घर का मतलब एग जो है वो सेल कर रहा था, तो आशीष 2 कैरेट बच्चों के लिए लेकर आ गए थे। तो अभी फटाफट मैं बाकी काम निपटा लेती हूँ और आशीष तो दूध पी रहा है, बाकी मैंने गीजर ऑन कर लिया। रुको जल्दी जल्दी फिनिश करो, ये देखो आशीष तो सो रही है, जल्दी दूध फिनिश करो है, चलो गुड। तो यस गाइस मैं मिलती हूँ आपको फिर थोड़ी देर। तो गाइस आशीष को मैं स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और आज भी वो थोड़ा सा रो रहा था और बड़ी मुश्किल से गया है क्लास में, तो मुझे जहाँ तक मुझे लगता है वो अभी भी रो ही रहा होगा। तो अभी फिलहाल के लिए तो मैं घर आ गई, शायद आशीष लेने जाएंगे अब उसको। तो मैं अभी आशीष अभी उठ गई है तो फटाफट उसको देती हूँ दूध और बाकी का काम है वो भी निपटाती हूँ अपना और देखती हूँ शायद क्या पता मैं ही चली जाऊँ लेने अगर मैं फ्री हो गई तब तक। तो क्योंकि काम तो मेरा ऑलमोस्ट हो गया, मेन मेरा कार्डियो रहता है, वो कार्डियो मेरा आज हो गया है सुबह सुबह ही। तो बाकी तो ऐसा कोई खास काम नहीं है, नाश्ता वाश्ता देना है आशिता को और देखते हैं अगर टाइम मिला तो क्या पता मैं ही लेने चली जाऊँ। तो यस गाइस मिलते हैं आपको फिर थोड़ी देर। सुबह सुबह मैं खा लेती हूँ अपनी थायराइड की गोली। खाली पेट खाने होती है और ये दे देते हैं आशिता को मैडम का दूध। ये लीजिए मैडम। लेकर आ गई थी डुगू को घर, मैं नहीं मतलब आशीष लेने गए थे। और अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ मम्मी के घर क्योंकि मुझे जाना है नानी को लेकर आई क्लिनिक, जहाँ का अपॉइंटमेंट हमने कर लिया था, तो वहीं जाना है हम लोगों ने अभी ना। तो जाना तो मम्मी ने था बट मम्मी को ना अचानक मम्मी को ना तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लूज मोशन वगैरह हो रहे हैं। तो फिर मैंने मम्मी को बोला चलो मैं ही लेकर चली जाती हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ मम्मी के घर, आशिता और आश्रित रहेंगे मम्मी के साथ और मैं नानी को लेकर जाऊंगी हॉस्पिटल। तो यस मिलते हैं आपको फिर थोड़ी देर के बाद। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं मम्मी के घर, उतरो डुगू उतर। कहाँ है पिजन? बर्ड है वो, अब मुझे नहीं पता नाम, बुलबुल। अच्छा हाँ उसका नाम बुलबुल है। डुगी बाहर निकल रही, बाहर क्यों नहीं निकल रहा सोना, उसको बाहर निकालना सोना। हाँ अब जा डुगू बाहर निकलो ना, उधर से आओ उस रास्ते आओ, वहाँ का दरवाजा, वहाँ का दरवाजा सोना, दरवाजा बंद करके आ, हट पीछे रो ना नानू, कपड़ो गिंचू नाना रोक दिंचू, बोलो छोड़ा दरवाजा बंद कर वहां का। क्या जीत गया? चप्पल। तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ घर और
नानू लाया था चाउमीन, तो मेरी बॉटल भी नहीं, तो मैं खा रही हूँ चाउमीन, उनको जब की ताला कर रहे हैं। वो देखो वो फ्रैंकी परेशान हो रहा है। गाइस मैं आ गई थी और नानी को लेकर मम्मी के घर, उसके बाद वहाँ पे खाना वाना खाया और उसके बाद घर आ गए और अभी हम लोग निकले हैं। आशिता कहाँ के लिए निकले हैं? हाँ ये आशिता बहुत दिनों से इसने रट लगा रखी थी कि इसे पैसिफिक जाना है, पैसिफिक जाना है, तो इसी के लिए हम लोग निकले हैं। और उससे पहले हम लोगों को ना इंडक्शन देना है, ये एक्चुअली ये इंडक्शन पता नहीं क्यों चलते चलते अपने आप ही बंद हो गया, तो वो भी देना है। तो यस अभी हम लोग जा रहे हैं, ये मतलब ये भी देंगे और ये है रिपेयर, ये है इलेक्ट्रॉनिक, ये है इलेक्ट्रॉनिक की चौक, आशीष यहाँ जाके देखे आएंगे इंडक्शन। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं पैसिफिक मॉल। उठ गई तुम? उठ गई तुम? और ये भी सो रहा है डुगो भी। और गाइस मुझे भी बहुत तेज नींद आ रही है, बहुत ही ज्यादा तेज नींद है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं सो जाऊं अभी भी, कुछ कॉफी वगैरह पीना पड़ेगा है ना। No cold drink. I'm in diet. What? Cold drink. मैं कॉफी लूंगी विदाउट शुगर। मैं चुड़ूंगी नहीं, चुड़ती नहीं हूँ। तो गाइस हम लोग आए थे पैसिफिक मॉल और यहाँ पर हम लोग आए हैं गोला सिज़लर, और ये हम लोग का मन कर रहा था सिज़लर खाने का कुछ, तो हम लोगों ने ऑर्डर किया सिज़लर। और यहाँ पर देखो हम लोगों को ना ये मिला है ठंडाई, जो कि एक कॉम्प्लीमेंट्री है ना, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो यस हम लोग वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर का। किया था हम लोगों ने सिज़लर, कैसा है? और हेल्दी भी है, चिकन ब्रेस्ट है। चढ़ गए नीचे उतरो। हाँ ऑरेंज वाली बॉल अंदर चला गया था, बॉल कहाँ है यहाँ पर? फिर लेंगे, फिर अंदर कर दोगे तुम। नहीं कर रहा था ऐसा नहीं होगा। अरे रुक जा, अरे चले आप चले घर। तू इतने दिन तो रो रही थी, ठीक है और तुझे क्या मिला देख आज? हाँ हाँ मेरे पास है मेरा स्पाइडरमैन है। लेंगे लेंगे भाई, डुगू लेगा, डुगू के पॉइंट से चलो देखते हैं। स्पाइडरमैन है भी तो 1500 पॉइंट का, मैं तो 1000 से ज्यादा ही होंगे पॉइंट। महंगा 480, चलो 500। ये दो ही बार मिलता गाइस, एक और बोनस बोनस। कितनी बार बोनस मिला? दो बार।
घुमाओ, एक बार करो, दो बार कर रहे थे ना, दो बार, अरे दो बार कर दिया तुमने। अच्छा मिला नहीं। आज तो दोनों बच्चों को बहुत ही लकी डे था ना, आशिता को हम मिले हमको दो बार बोनस, और आशिता ने लिया ये और डग्गू ने लिया ये स्पाइडरमैन। चलो चलो तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं घर और अभी बजे हैं रात के 8 और आज आशिता ने बहुत ही सारे टिकट्स ने जीते हैं, मतलब 1000 टिकट्स एक बार और 300 के आसपास बाकी जो जीते हैं। तो आज इसका मतलब बहुत ही लकी डे था, है ना आशिता। तो जो टिकट जीते थे ना, तो वहाँ पे जो टिकट थे और उससे आप वहाँ पे कुछ खरीद सकते हो, तो इन लोगों ने ये खरीदा। तुम खोलो और डुगू आपने क्या जीता और डुगू ने लिया अपना स्पाइडरमैन। तो ये डुगू का स्पाइडरमैन था 1500 पॉइंट्स का और आशिता का था 1000 पॉइंट्स का। तो ये क्या क्या है आशिता इसमें? मैं आपको दिखाती हूँ, ये है एक, हाँ ये निकल जा, अभी निकलता नहीं है ये, कुछ किसी से वो रखा होगा ना, नहीं ऐसे वाला है, अभी तो हमने निकाला था। ये देखो एक क्राउन इरेजर, इरेजर है ये, हाँ? और ये देखो ये कितने दिन तक जिंदा रहेगा, हजार दिन तक। और ये है, निकल जा भैया, मैं निकालती हूँ, रुको लेट मी हेल्प यू। अरे क्या ऐसे करते हैं ना, इन्हें घुसा रही है, पता क्या, पता है ऐसे करो ना, हो गया, मैंने बहुत सारे निकाल दिए। ये है स्टार, ये क्या, हॉर्सफिश, हॉर्सफिश क्या बोलते इसको, सी हॉर्स, हाँ हाँ। अगर तुम ये बताती है तुम पिटती। ये है, ये है, ये कासल, ठीक है। और ये भी तो है, बिडुगु, ये क्या है, डुगू क्या है, बेबी शार्क, ये भी है बेबी शार्क, दिखाओ कहाँ है, ये है एक, ओ वाओ गाइस देखो ये कितना क्यूट है, इसके अंदर एक और इरेजर है जो पोल वाला इरेजर है, आपका ये जो है ना, ये डुगू, ये क्या है, ये रिवॉल्वर, बेबी शार्क कैसे करते हैं, बेबी शार्क डुगू ने तोड़ दिया, मैंने नहीं तोड़ा, मैंने तोड़ दिया, स्टूपिड, नहीं इसको इसके अंदर से बंद कर दो ना, फिर वो बंद हो जाएगा। और दिखाओ आशिता, ये बाद में कर लेना, अभी दिखा दो ना, और तो दिखा दे जा, अरे भैया इसको ना ऐसे करो, उल्टे से करो, रुको ये सबको निकाल दो ना एक साथ, नहीं निकलते नहीं है, रुको ये लो, ये निकाल दिया, रुको मैं करती हूँ ना, आई विल हेल्प यू, रुको ये है मॉमेड, एक मरमेड, कितनी मरमेड है, वो मरमेड का वो नीचे का चला गया, टू मरमेड, फोर मरमेड्स का, अच्छा ये छोटा सा मरमेड भी है, इसका बॉल शो ना, वो पॉल निकाल दिया, देख वो खो देगा उसको, रख दे भैया, ला मैं जोड़ देती हूँ उसको। तो यस गाइस, ये इन लोगों ने करी है शॉपिंग फंकी किंगडम से, और ये मरमेड 1000 पॉइंट्स का था, और ये जो स्पाइडरमैन था ये इसका था 1500 पॉइंट्स का, है ना डुगू, है ना डुगू। तो गाइस अभी मेरा रूम हो रखा है बहुत ज्यादा मैसी, इसको कर देती हूँ मैं क्लीन और फटाफट बनाती हूँ खाना। तो सबसे पहले खाना चढ़ा देती हूँ, मतलब सब्जी चढ़ा देती हूँ और सब्जी बनती रहेगी, और तब तक के बाद मैं आके ये मैस के क्लियर करूँगी। तो देखते हैं अभी सब्जी में क्या बनाते हैं, क्या बनाए। तो गाइस मैं सोच रही हूँ कि आज बनाती हूँ बैंगन की सब्जी, और फटाफट बनाते हैं बैंगन की सब्जी और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में, और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और बैंगन की सब्जी। तो यहाँ पर मैंने आलू बैंगन कट करके रख लिया है, और यहाँ पर मैंने प्याज और टमाटर अच्छे से चॉप कर लिया है। तो अब फटाफट बनाते हैं बैंगन की सब्जी, और ये बनाऊंगी मैं कुकर में और फटाफट बनेगा। तो यहाँ पर मैंने देखो प्याज और टमाटर ना एक साथ ही वो कर लिया है, चॉप कर लिया है। मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ कुकर, साथ में ये डुगू देखो मेरा कैसे पकड़ के बैठा है, नहीं बोलेगी दीदी कुछ, मैंने सोना उसको मत करना परेशान। ये एक्चुअली ना जो उसकी बहन अभी वो लेकर आई थी, जो मरमेड वाला सामान लेकर आई थी, ये उसको फैला के आ गया है, तो उसको डांट के गई है, तो डर से वो यहाँ पे छुपा बैठा है। जाओ दादू के कमरे में चले जाओ, आप जाओ ना, मैं यहाँ पे मुझे खाना बनाने दो। अच्छा वहाँ बैठ जाओ सामने, उधर बैठ जाओ, ऐसे बैठे रहोगे मुझे पकड़ के,
अच्छा चल मैं दीदी को बोलती, दीदी ने डांटे क्या। सोना मत कर, वो चिल्ला रहा है, मुझे काम नहीं करने दे रहा सोना, पता है कहाँ है? मिल गया ये खो रहा था और ये भी जुड़ गया। जुड़ गया ठीक है, संभाल के रखना इसको। एक ले जानू? शोरा तुम ये वाला अभी क्यों निकाल देते, स्कूल जाने से पहले पहले ना देखना तुमने बॉक्स तोड़ना ही तोड़ना है। मैं देख लेना तुम, अब उसको परेशान मत करो ज्यादा, वो मुझे काम नहीं करने दे रहा है। हाँ बिजली का बिल देख लिया। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपना मसाले वगैरह भून लिए है अच्छे से, मसाला भूनने के लिए रख दिया है मैंने, और बाकी जो इसकी रेसिपी है वो आप मेरे शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं, उसमें पूरी रेसिपी है। बहुत मतलब जल्दी बन जाती है सब्जी और बहुत टेस्टी बनती है सब्जी, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। मतलब लाइक बैगन का भरता की तरह ही बनता है और लेकिन होता टेस्टी है और मतलब इजी हो जाता है बनाना। मतलब उसको वो करो भूनो, कई लोगों को मतलब स्मेल वाला वो जो भुना हुआ स्मेल है वो पसंद नहीं होता है, जैसे मेरे हस्बैंड को ज़्यादा जल्दी से पसंद नहीं है और कभी लेट हो रही होती है तो फटाफट बना दो। और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी बहुत जल्दी, उसके बाद फिर अपना कार्डियो वगैरह भी किया और उसके बाद फिर मैं नानी को लेकर हॉस्पिटल गई, फिर बच्चों को लेकर, क्योंकि आशिता ने बहुत दिनों से, कल भी आपने वीडियो में देखा होगा कितना रो रही थी वो मॉल जाने के लिए, तो आज उसको लेकर ही जाना था, तो इसलिए आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो फटाफट मैंने कहा फटाफट बन जाएगा कुकर में और अच्छा बनता है, ट्राई कर सकते हैं आप लोग। तो गाइस यहाँ पे कुकर में लग गई है 3 सीटी और इसको कर देते हैं अब बंद, क्योंकि मैंने इसमें बहुत हल्का सा पानी डाला था, बहुत ही हल्का सा। और यहाँ पे आश्रिता कर रही है राइटिंग, और आजकल देखो आश्रिता की राइटिंग इतनी प्यारी हो गई है, वेरी गुड आश्रिता, क्योंकि आश्रिता डेली हैंड राइटिंग करती है और इसलिए इसकी राइटिंग अच्छी होगी। बट हिंदी का कर रही हो आप? नहीं कर रहा। बट हिंदी का भी करो ना, करूंगी ठीक है, कल करना ठीक है।